गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह बहुत सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था। लेकिन अंदर से वह उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे, एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवा एक भिक्षा पात्र के। लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा बिच्छू ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक उस युवा बिच्छू को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध बिच्छू के पैर छुए और कहा, भंते, कृपा आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे आम्रपाली ने कहा, कृपा मेरे निमंत्रण को ना ना कहें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा बिच्छू ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, भंते, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने तक रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और 4 महीने वहां एक ही स्थान पर रहते हैं, जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिए देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा बिच्छू को रोकिएगा, आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया है। आम्रपाली एक वैश्या है और एक बिच्छू एक वैश्या के घर में 4 महीने रहे, यह सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपा आप लोग शांत हो जाएं और उस बिच्छू के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद
वह युवा बिच्छू बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध, नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊँगा। अतः बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उस युवा बिच्छू ने आम्रपाली के विषय में वैश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा बिच्छू की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा बिच्छू खड़ा हुआ और बोला, यह सही नहीं है। यह युवा बिच्छू एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं, वह एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि इसके वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा बिच्छू को एक वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य बिच्छू उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे बिच्छू पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य, जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस युवा बिच्छू पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वो युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई और 4 माह बीते और वह युवा बिच्छू वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उसे युवा बिच्छू के पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा बिच्छू ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, या आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है, यह न केवल सुंदर है बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा बिच्छू से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा बिच्छू को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही, क्योंकि इसके बजाय इस युवा बिच्छू ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध ने मैं अपनी सारी संपत्ति आपके बिच्छुओं को दान देने में चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वैश्यों की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वैश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेशुद्ध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। अगर आप लोगों को अपनी कामुक ऊर्जा के रूपांतरित करने का तरीका जानना है तो आप हमारे द्वारा बनाई गई स्त्री के प्रति आकर्षण को कैसे समाप्त करें, इसमें दी गई जानकारी से आप अपने कामुक ऊर्जा को जरूर रूपांतरित कर पाएंगे। यह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे चैनल को